बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ सैयद साकिब अली। जैसा कि आपको मालूम है, इल्मी सिटी हर रोज इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशन सेशन ला रहा होता है। इसमें में गेस्ट भी इनवाइट हो रहे होते हैं, तो आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो मिस लीजी हैं, जो कि आर्टिस्ट हैं और आरजे हैं और वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। आए, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साकिब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। मिस, आप बताएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, करम है अल्लाह का। थैंक यू सो मच, आप मुझे किया। वेलकम। अच्छा मिस, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि एक अच्छा आरजे बनने के लिए क्या क्या जरूरी है? हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो हर कोई पूछता है जब उसे ये पता चलता है कि 12-13 साल में एक इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि आप आरजे रहते हैं, और आप जब एक दफ़ा किसी प्रोफेशन में चले जाते हैं तो आप लाइफ टाइम उस चीज़ का हिस्सा रहते हैं। आरजे बनने के लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो है कि आपका पैशन हो। आपको किसी भी प्रोफेशन, ना सिर्फ आरजे, आपको उसमें एक चीज़ है कि आपने ये बनना है, आपको शौक है। और शौक जब किसी चीज़ का होता है तो इंसान उसके ए टू जी हर चीज़ को सीखने की कोशिश करता है कि है क्या, कहाँ से स्टार्ट लेना है, कैसे बनना है। सो सबसे पहली चीज़ है कि पैशन होना चाहिए आपके अंदर, और फिर सीखने की और हर चीज़ को सीख कर करने की सलाहियत होनी चाहिए। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जैसे कि अगर हम कोई प्रोग्राम कर रहे होते हैं, तो प्रोग्राम में अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन चली जाए, तो उस आरजे को क्या करना चाहिए? नाइस क्वेश्चन बाय द वे। ऐसा ये होता है कि हम लोगों की बेसिकली साके एक ट्रेनिंग होती है जब भी कोई आरजे बनना चाह रहा होता है, तो आगे चल के हम पूरी तफसील से बात करेंगे कि कैसे कैसे बनते हैं, लेकिन ट्रेनिंग होती है हमारी वो लेकिन कम से कम 6 हफ्ते होती है और 3 महीने तक नहीं होती है। उसमें क्या होता है कि हमें मुख्तलिफ चीज़ें सिखाई जाती हैं, काफ़ी एस्पेक्ट्स होते हैं लाइव आने के जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। वो फिर आपकी पर्सनैलिटी में शामिल हो जाते हैं सीख सीख के कि हमने क्या बात करनी है, क्या नहीं बात करनी, कौन सी इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं, कौन सी नहीं दे सकते। बाय द वे, अगर मतलब बात करते करते कोई चीज़ निकल जाए से और आप गलत इंफॉर्मेशन हो, तो आपने बड़ी पोलाइटली और एक पॉजिटिव वे में उसे ओन करना है कि ये हम इंसान हैं और गलती इंसानों से ही होती है। सो मैंने गलती से एक चीज़ आप लोगों तक कन्वेट कर दी है, लेकिन खुद सीखने के बाद मैं आप लोगों के साथ इसकी दुरुस्तगी करना चाह रही हूँ, ये चाह रहा हूँ। तो वो बड़े तरीके से, पॉजिटिव तरीके से आपने अच्छी और सही बात भी बता देनी है और अपनी गलती का इतराफ भी कर लेना है। फिर ये होता है क्योंकि प्लेटफॉर्म ऐसा है, आपको पूरी दुनिया सुन रही होती है, और उसमें आप गलत इन्फॉर्मेशन देकर और फिर ये माने ही ना कि हमने गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो बड़ी गलत बात है। और आपको पता है कि जो हमारे रेडियो स्टेशन होते हैं उनको बाकायदा सुना जा रहा होता है। हर आरजे को जी शायद ये पता हो या ना हो कि वो हर वक्त सुना जा रहा होता है, और कोई भी उसके मुंह से निकली हुई गलत इन्फॉर्मेशन उसके लिए बहुत बड़ा मजा कर सकती है, ना सिर्फ उसके लिए बल्कि उस रेडियो स्टेशन के लिए जहाँ पे वो काम कर रहा है। सो ये है कि आप पॉजिटिव तरीके से मान लें, बस ये ना हो कि कोई बहुत ही किसी बड़ी बड़ी कंपनी, किसी प्रोफेशन, किसी एजेंसी के बारे में कोई बात ना हो तो फिर हो सकता है क्लियर हो सकती है सिचुएशन। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एक अच्छा आरजे बनने के लिए कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं? सबसे पहले आप, जैसे मैंने कहा, पैशन होना चाहिए कि आपने बनना है। फिर आपकी आवाज़, वो कुछ लोगों की भारी होती है, कुछ की पोलाइट होती है, कुछ की बीट मॉर्निंग वॉइस होती है, हस्की होती है, हर तरह की आवाज़ है और हर तरह के शोज़ हो रहे होते हैं। आवाज़ सबसे पहले, अप्स एंड डाउन्स होनी चाहिए आवाज़ में, मोनो वॉइस ना हो। मोनो वॉइस होती है जो आप एक ही तरह बोले जाते हैं, उसमें अप्स एंड डाउन्स नहीं होते, एम्फेसिस नहीं होता किसी लफ्ज़ पे। सो आपकी आप पैशन, आपकी आवाज़, सीखने की सलाहियत, आपको मुताले की आदत होनी चाहिए। आप न्यूज़पेपर पढ़ें, आपको दुनिया में, मुल्क से बाहर, मुल्क में क्या हो रहा है, कौन से प्रोफेशंस आगे जा रहे हैं, किस चीज़ का स्कोप ज़्यादा है, ये सब छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्या आरजे के लिए स्क्रिप्ट भी इतना ही जरूरी है? हाँ, ज़रूरी है। स्क्रिप्ट आप नहीं कह सकते क्योंकि उसमें तो आपको पूरी एक चीज़ होती है। स्टार्ट में जब आप ऑन एयर जाते हैं तो आप बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, और मैं ये नहीं कहती कि आप सीनियर होकर मेहनत नहीं करते, लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है स्टार्ट में कि आपको हर चीज़ अपनी जो है वो सामने रखनी पड़ती है कि आप कुछ गलत ना बोल दें, और ये अच्छी बात है।
लेकिन आपको अपने की पॉइंट्स जरूर बनाने चाहिए ताकि आपका जहन क्लियर हो कि आज मैंने इन पॉइंट्स पे बात करनी है, ताकि वो आपके पहले वाले क्वेश्चन का आंसर जो है वो यहाँ आता है कि गलत इन्फॉर्मेशन ना चली जाए। ओके अच्छा मैं आपसे पूछूंगा कि जैसे एक अच्छा आरजे बनने के लिए बोलना जरूरी है या उसके पास टेक्निकल स्किल्स का होना भी बहुत जरूरी है? साकिब, दोनों का होना बहुत जरूरी है। अब बोलना भी आना चाहिए, ठीक है, और टेक्निकल स्किल्स भी, क्योंकि एक वक्त में जब हम शो कर रहे होते हैं तो हम बोल भी रहे होते हैं, लोगों के जहन और दिल को भी देखकर बात कर रहे हैं, अपने शो की जो भी टाइमिंग्स हैं उस हवाले से जो लोग हमें सुनते हैं, जैसे सुबह के वक्त हमें ऑफिस गोइंग लोग सुन रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग लोग सुन रहे होते हैं, फिर जब 10 बजे का टाइम आता है तो हमें एग्जेक्टिव क्लास सुन रही होती है जो ऑफिस जा रही है, जो बॉस वगैरह होते हैं जो लेट जाते हैं, फिर लंच टाइम आ जाता है, अब लंच टाइम में हमें खवातीन ज्यादा सुनती हैं जो घरों में खाना बनाते हुए हमें सुन रही हैं। सो उन लोगों का जहन देख कर हमें बोलना भी आना चाहिए कि हम लोगों ने उनके जहन के मुताबिक क्या बात करनी है ताकि वो हमारे साथ एंगेज रहें, और इसके साथ साथ हमें टेक्निकल इस तरह की सारी चीजें आनी चाहिए कि एट द सेम टाइम आप बात करें, माइक को देख रहे हैं, माइक से आपकी आवाज किस तरह जा रही है आपने उस पर फोकस करना है, आप पैनल को देख रहे हैं, हमारे पास जो फेडर्स होते हैं म्यूजिक अप एंड डाउन करने के, माइक की आवाज कम ज्यादा करने के, फिर उसी वक्त में एक हाथ से आप अपना कंप्यूटर और सिस्टम देख रहे हैं जिस पर आप अपने एड्स क्यू कर रहे हैं, पूरी एक लिस्ट होती है हमारे सॉन्ग्स की, हमारे टाइम चेक्स होते हैं, लिंकर्स होते हैं, ये एक पूरा टेक्निकल काम है। ओके आजकल जो आरजे बनना चाहता है तो उसको किस किस्म के प्रोग्राम करने चाहिए जिससे वो अपनी क्वालिटी को मजीद बेहतर कर सके? साकिब, मैंने आपको बताया पहले कि सबसे पहले क्या होता है कि आपकी आवाज़ चेक की जाती है, ठीक है, जब आप जाते हैं कहीं ओके ऑडिशन देने के लिए आपकी आवाज़ होती है, उसके बाद वो लोग एनालिसिस करते हैं कि आप किस एज ग्रुप को या किस टाइमिंग्स के हिसाब से आपको शो दिया जाएगा, फिर वो आपको शो दिया जाता है। अब अगर तो आप सुबह के वक्त शो कर रहे हैं तो आपको ब्रेकफास्ट, ऑफिस गोइंग लोगों की बात करनी पड़ती है, मौसम की बात करनी पड़ती है, वेदर और प्रेडिक्शंस वगैरह आ जाती हैं, ठीक है, उस हिसाब से आपको बात करनी पड़ती है। अब जो नए लोग आए हैं और वो मॉर्निंग शो कर रहे हैं तो उनके लिए यही टिप है, फिर अगर आप लंच टाइम कर रहे हैं आपको उस हिसाब से बात करनी पड़ेगी, मतलब जो आपकी टाइमिंग्स होती है ना, जो आपको शो अलॉट किया जाता है उस हिसाब से आपने अपना रखना होता है, और उस हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो आप बहुत जल्दी फेमस भी हो जाएंगे और आपका नाम बन जाएगा, अच्छा क्योंकि वो एज आप ग्रुप बार ऐसा बार होता है। जी हाँ, वो एज ग्रुप ऐसा होता है और वो टाइम ऐसा होता है कि अगर आप उनके जहन के मुताबिक बात ना करें तो वो बहुत जल्दी चैनल स्विच कर लेते हैं और वो फिर आपका फेलियर होता है। ओके अच्छा बार बार ज्यादा वॉइस के ऊपर फोकस कर रही हैं कि आवाज आपकी अच्छी होनी चाहिए। जो लोग ऐसे हैं जो लोग ऐसे हैं जो आरजे बनना चाहते हैं लेकिन उनकी वॉइस नहीं है ठीक, तो वो अपनी वॉइस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और फिर अपने फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं? कर सकते हैं, क्यों नहीं, हर चीज का चीज है कि आप आवाज को आउट करें, एनिंग होती है रेडियो पर क्यों हो जाए। के बाद सुन रहे होते हैं तो आपको खुद अपने कानों में हेडफोन लगा के जब आप सुनते हैं तो पता कौन से अल्फाज पे आपने फोकस करना है, एम्फेसिस करना है, कहाँ अप्स एंड डाउन्स की कमी है, कहाँ फुल स्टॉप होना चाहिए, कुछ लोगों का हे और खे प्रोमिनेंट होता, कुछ का रे और रे प्रोमिनेंट नहीं होता, और कुछ को ये पता ही नहीं होता कि कहाँ बात करते करते रुकना।
जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जो आप बार बार वॉइस के ऊपर फोकस कर रही हैं और उसको ये भी कह रही हैं कि आपकी जो है वो वॉइस अच्छी होनी चाहिए, तो मुझे ये बताइएगा कि जो लोग अपना करियर आरजे में बनाना चाहते हैं और उनकी वॉइस नहीं ठीक, आवाज़ खराब है, तो वो अपनी आवाज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं जिसकी वजह से वो अपना करियर बना सकते हैं? जी साकिब, मैं यही बता रही थी कि वो ये है कि आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करें। ट्रेनिंग में भी यही होता है, आप उसको सुने, ओके हेडफोन्स लगा के जब आप सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी आवाज़ में कहाँ कमी है, कहाँ आपकी आवाज़ थोड़ी भारी करनी है, कहाँ उसको स्मूथ ले जाना है, कहाँ आपने किसी लफ्ज़ पे फोकस करना है, कहाँ फुल स्टॉप लगना है। तो वो जब आप इन चीज़ों पर गौर करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी बातचीत अच्छी होती चली जाती है और उसमें एक तहजीब और एक कहना चाहिए कि एक लय आ जाती है। सो यही एक चीज़ होती है, क्योंकि हम लोगों ने तो सिर्फ अपनी आवाज़ के सहारे लिसनर्स को अपने साथ एंगेज रखना है, उनके साथ उनका इतना अच्छा दोस्त बन जाना है अपनी आवाज़ के सहारे कि वो हमारे रेगुलर और लॉयल और कहना चाहिए कि बड़े अच्छे से फैंस बन जाए। अच्छा, आवाज के अलावा और कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे एक आरजे अपने शो को इंटरेस्टिंग बना सकता है? हाँ, ये होना चाहिए कि आपको मौका महल के हिसाब से बात करनी आनी चाहिए। आप जैसे कि आपको मुख्तलिफ लैंग्वेजेस आनी चाहिए ताकि आप, क्योंकि लिसनर तो किसी भी ज़ुबान में आपसे बात कर सकता है ना, और आप लाइव हैं, आप उसको स्नब नहीं कर सकते, आप उसे मतलब टोक नहीं सकते। लाइव कॉल आपने ली है, आपको एटलीस्ट उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी तो आनी ही चाहिए। और अगर आप रेडियो आरजे हैं तो फिर आपको आप पख्तून लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स और जुमले आने चाहिए, सीख लेने चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ताकि एटलीस्ट आप किसी से, आपको पता है ना कि दुनिया में हर इंसान को अपना नाम सुनकर अगर उससे बात की जाए तो उसे अच्छा लगता है। तो बिल्कुल आप उसी की ज़ुबान में जब उसके उससे हालचाल पूछेंगे तो वो बड़ी अपनायत महसूस करता है। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। मैंने भी ये सराइकी और पश्तो की दो चार चीज़ें सीख ली थी इसीलिए, क्योंकि अगर कोई ऐसा आ जाए ऑन एयर तो फिर उससे बात की जाए और उसे अच्छा लगे कि एटलीस्ट हमें भी अपनाइयत दी जा रही है, ये बहुत ज़रूरी है। फिर आपको ऑन द स्पॉट, क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म पे अच्छे लोगों के साथ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें टीज करना अच्छा लगता है, सो आपको शटअप कॉल देनी भी आनी चाहिए बड़े पोलाइट हुए में। बहुत से लोग ऐसे आ जाते हैं जो आपको पसंद नहीं करते, उन्हें अच्छा नहीं लगता कि आप किस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, तो वो आपको ऑन एयर आकर थोड़ा इस तरह करने की कोशिश करते हैं। सो आपको बड़े तरीके से उस तनकीद को बर्दाश्त करना आना चाहिए, और अगर वो तनकीद बराए ओके तामीर नहीं है और आपकी ज़ातियात पे बात हो रही है, तो आपको एज अ बॉय और एज अ गर्ल या जो भी वहाँ बैठा है उसको एक शटअप कॉल देनी आनी चाहिए, जो अखलाक के दायरे से बाहर भी ना जाए और बंदे को पता भी लग जाए कि कोई बैठा है। ओके अच्छा, ये कहिए हमारे नाज़रीन को, ये बताइएगा कि आपने अपना करियर इस फील्ड में कैसे बनाया और आपने ये एक आरजे की ही फील्ड क्यों चॉइस की? अच्छा, मैंने चॉइस नहीं की थी। मैं वैसे तो ये एक बहुत लंबी स्टोरी है, मैंने नहीं की थी, पता नहीं, मैंने तो कभी सुना ही नहीं था रेडियो, मुझे नहीं पता था कि ये भी होता है कुछ एफएम वगैरह। न सीधा सीधा वो वाले घर से ताल्लुक था कि इतने ग्रेड्स अगर ना आए ना तो घर बैठोगी, बर्तन मांजोगी, तो वो पढ़ाई पे फोकस है और 3 बजे यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई है तो 3:30 घर हर सूरत पहुँच जाना, ये वाला हिसाब था। लेकिन मैं आई डिड माई मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, मेरा मुझे आज भी याद है कि इंटरनेशनल लॉ मेरा एक सब्जेक्ट है वो उसमें होता है। मैं अपने सर से, जो मेरे उस वक्त प्रोफेसर थे, उनसे अपनी असाइनमेंट को लेके कुछ बात करने गई थी उनके रूम में, और वहाँ बैठे हुए थे एक करंट अफेयर्स का शो करने वाले, जो कि मैं चैनल का पता नहीं नाम ले सकती हूँ कि नहीं, निजी बहुत अच्छा चैनल है, उसके न्यूज़ के बंदे बैठे हुए थे जो वहाँ पे एक अच्छी पोस्ट पे थे। तो वो जब मैं बात कर रही थी अपने टीचर से तो उन्होंने मुझे सुना, और क्योंकि सब्जेक्ट भी वो था, जब मैं नीचे आ गई तो मुझे दोबारा पीएन बुलाने आया कि मम्मी साहब ऊपर आए, आपको सर बुला रहे हैं। मैं गई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप करंट अफेयर्स का शो करेंगी। तो आई एम फ्रॉम दैट जमींदार फैमिली जहाँ ये पसंद नहीं किया जाता था टीवी वगैरह, तो मैंने उनको ऐसे टाल दिया कि सर अभी तो मेरे पेपर्स हैं, सेमेस्टर है, ये है वो है, लेकिन वो इतने कंसिस्टेंट निकले कि उन्होंने कहा नहीं 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 मतलब इसको करवाना है ऐसा काम। तो जब मेरे एग्जाम्स ख़त्म हो गए उन्होंने मुझे फिर कॉन्टेक्ट किया कि अच्छा ठीक है, टीवी नहीं तो रेडियो कर लो। और मैंने कहा कि मैं मुझे क्या पता है रेडियो का, मुझे तो इनकार ही होना है, तो चलो अब बुरा लगता है कि सर के फ्रेंड हैं। अब मैं गई उनके कहने पे, स्टेशन डायरेक्टर थे वहाँ पे, उनसे मेरी बात हुई और
आप यकीन कीजिए कि मेरा तो ऑडिशन के बाद ट्रेनिंग भी नहीं हुई थी, मुझे डायरेक्ट ही शो दे दिया गया था। उन्होंने बातचीत के दौरान देख लिया कि मुझे बात करनी आती है, और उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आप हायर हैं और आप कल से शो करेंगी बस। और लकीली फिर ये हुआ कि शुरू के 3 महीने में ही मैं सर्वे के अकॉर्डिंग टॉप 3 आरजेस में आ गई, तो बस तब से अपने आप ये बन गया करियर। ओके अच्छा ये कहिएगा कि कुछ लोग कहते हैं कि इस फील्ड में पैसा नहीं है ऐसा। क्या एक आरजे बन के पैसा भी कमाया जा सकता है कि या सिर्फ वो प्रोग्राम ही करते रहते हैं करते रहना है और उसमें आपने अपना जो अगर है तो मैं बड़ी बेचैन हूँ इस बात का जवाब देने के लिए कि अगर तो आप कोई और जॉब कर रहे हैं, अगर आप पढ़ा रहे हैं, यूजुअली जो इस फील्ड में होते हैं वो या प्रोफेसर्स होते हैं या वो टीचर ओके होते हैं या वो असिस्टेंट प्रोफेसर्स होते हैं, इस एजुकेशन फील्ड के लोग काफ़ी सारे इसमें हैं। हाँ, अगर आप कोई और जॉब कर रहे हैं और इसे पैशन ले रहे हैं साकिब, तो इट्स रियली नाइस। ठीक है, पाकिस्तान में ओके अभी इतना ज़्यादा आप इससे नहीं कमा सकते। हाँ, अब ट्रेंड आ गया है, 1-2 साल से कुछ चैनल्स आए हैं जो आपको लाखों में सैलरी भी दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपका जो ग्राफ है ना वो यहाँ होना चाहिए। अगर यहाँ है तो फिर आप हज़ारों में हैं, और हज़ारों में भी उतने हज़ारों में हैं कि आप घर नहीं चला सकते। तो एक ये चीज़ है। दूसरा है कि इसको पैशन, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसे पैशन समझें, साथ एक अच्छी जॉब करें और इसको आप अपनी हॉबी के तौर पे लें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप इसको उस तरह से करेंगे तो आप अच्छा बोल नहीं सकेंगे। आई गेस स्ट्रेस होगा आपके सर पे घर चलाने का और कमाने का, तो फिर लेकिन ये है कि कुछ साल लगेंगे, आई गेस 3-4 साल और लगेंगे, तो ये अच्छा वो बन जाएगा प्रोफेशन। ओके आप ये कहिएगा कि क्या आप भी इसको एज अ पैशन लेके चल रही हैं या साथ प्रोफेशन भी है या साथ इसके साथ आप जॉब भी कर रही नहीं, हैं। मैं तो नहीं, मैंने जॉब इस हाँ मैंने जॉब की है इसके साथ। मैं एक बहुत अच्छी जॉब करती रही हूँ, लेकिन शादी के बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी क्योंकि मेरी बेटी अभी छोटी है। लेकिन ये है कि मैंने इसे इस तरह नहीं छोड़ा, क्योंकि एट द सेम टाइम मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हूँ और डबिंग आर्टिस्ट भी हूँ, तो मेरा वो काम भी साथ चलता है। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि मेरे हस्बैंड खुद एक बहुत बड़ा नाम है वॉइस ओवर इंडस्ट्री में और डबिंग डायरेक्टर है, सो हमारा अपना जो प्रोडक्शन हाउस है मैं उसमें जब मर्जी काम करूं और जब ना करूं, सो मेरे लिए ये घर की बात है, तो इसलिए। लेकिन जो लोग सिर्फ इस पर इकतफा कर रहे हैं उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगी एज सीनियर आरजे कि ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। हाँ, उनकी लक है कि वो एकदम अगर आगे निकल जाए तो अल्लाह करे, लेकिन अगर आप साथ में कोई और जॉब करें, क्योंकि इसमें तो मैक्सिमम 2 घंटे का शो होता है, आप 3 दिन करें 4 दिन करें, तो वो आप एक अलहदा हॉबी के तौर पर लेके चलें तो आप इंजॉय करेंगे इस चीज़ को। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप कितने पैसे कमा लेती हैं। ये आपने वैसे वो बात की है जो मर्दों से नहीं करनी चाहिए, लेकिन आजकल तो औरतों से भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, पैसे ये है कि आप इतने कमा लेते हैं, मैं बता दूँ अगर बता दें आप बिल्कुल जी वॉइस हमारे ओवर्स भी कर रहे नाज़रीन हैं, देखें इसी का ही वेट है। आगे। हाँ अच्छा, ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं एक ऐसी आरजे रही हूँ जिसने 6 महीने तो पैसे मांगे ही नहीं थे, मुझे पता ही नहीं था कि पैसे भी मिलते तो उसके ओके बाद ये है कि आहिस्ता 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 आपको ठीक पे कर किया जाता है और आप 50-60 तक नॉर्मल ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि आपको मिल जाए ओके अब आप मेरी बात अंडरस्टैंड कर गए होंगे मैं बिल्कुल आपकी बात अंडरस्टैंड कर गया। अच्छा हाँ, लेकिन ये इसके लिए बड़ा टाइम लगता है, एकदम से नहीं, स्टार्टिंग लोगों को काफी देर काम करना पड़ता है ट्रेनिंग के तौर पे, और इस तरह मैंने आपसे कहा ना कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसको एज प्रोफेशनली अडॉप्ट करने ओके इसके लिए मैक्सिमम एक आरजे को कितनी प्रैक्टिस करना जरूरी है अच्छा आरजे बनने के लिए। में। अगर तो वो पैशनेट है तो मैं तो कहती हूँ कि आई गेस 1 महीना भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप जब अपने आप को सुनते हैं ना, आपको पता होगा साकिब कि जब आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो आपको कहा जाता है कि हेडफोन लगा के सुने इस चीज़ को आप जो बोल रहे हैं, वो ओके इसलिए कि बिल्कुल जब आप हेडफोन में सुनते हैं तो इर्द गिर्द की आवाज़ें खत्म हो जाती हैं और डायरेक्ट आपके ब्रेन से लिंक हो जाता है उस चीज़ का। जब आप अपनी आवाज़ सुनते हैं ना तो आपको अपनी गलतियाँ महसूस हो जाती हैं, और जब आप पैशनेट होते हैं कि मैंने ये काम करना ही है, तो फिर आप उन गलतियों ओके पर नेक्स्ट टाइम ध्यान देते हैं। तो 2 हफ्ते भी बहुत है, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो जस्ट आए हैं 3 दिन
ट्रेनिंग हुई, चौथे दिन ऑनियर है। ओके क्या ये आप भी चौथे दिन ऑन ईयर हो गई थी? मैं तो पहले दिन ही हो गई थी, बताया ना मैंने आपको अच्छा कि उन्होंने, मतलब ओके मेरे साथ ये हुआ कि एक बहुत हिट आरजे थे उस दौर के, राणा उमैर उनका नाम था, वो ऑफ पे थे, तो लकीली मेरे साथ ये हुआ कि उनके फैंस उनको उनका इंतजार कर रहे थे ना कि वो आएगा और शो होगा, तो मुझे उनके शो के लिए कहा गया कि आप जाएं। तब मुझे पैनल वैनल यूज करना नहीं आता था, मेरे साथ एक थे वो, मतलब जो भी हेल्प के लिए थे उन्होंने वो सब यूज किया था, मैंने जस्ट बात की थी, और मुझे उन्होंने कहा था आप ऐसे बात करें जैसे कोई इंसान अपने टीवी लाउंज में बैठ के बात करता है, किसी से बात करता है, कि आपकी सहेली बैठी है आप और उससे किससे सुना रही हैं, तो ये मुझे कहा गया था, क्योंकि उन्होंने मुझसे बातचीत में देख लिया कि मेरे अप्स एंड डाउन ठीक हैं आवाज के और ये वो। अच्छा हाँ, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको एक चीज और पता चलती है, जैसे मेरे साथ ये था कि कुछ अल्फाज पे मैं माइक पे बोलती थी तो वो हंस की आवाज आती थी, तो वो फिर मुझे उस पे मैंने अपने तवज्जो दी, और इस तरह से मतलब पहले दिन ही मुझे होने, फिर मेरी ट्रेनिंग नहीं थी, मैंने खुद ही अपनी अच्छा ट्रेनिंग की थी फिर। ओके माशाल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि दुनिया डे बाई डे डिजिटलाइज हो रही है, ठीक है, और आप और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक अच्छा करियर कैसे बना सकते हैं आरजे, तो ये बताइएगा कि आगे इसका करियर है भी सही कि नहीं है? नहीं, इसका करियर बहुत अच्छा है, दूसरे ममालिक में अगर आप देखें, दूसरे कंट्रीज में बड़ा अच्छा है, इसको लोग एज प्रोफेशन लेके चल रहे हैं, पूरी पूरी फैमिली इसको देख रहे हैं, बड़े अच्छे से व्हाइट कॉलर जॉब समझा जाता है इसे। यहाँ पे भी पता है क्या है, जब आपको आवाज़ की पहचान हो जाती है ना आपकी मार्केट में, और आपका एक नाम ओके बन जाता है, तो फिर आपके पास बहुत सारे रास्ते आ जाते हैं, आप एक अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं, आप एक अच्छे डबिंग आर्टिस्ट बन सकते हैं, आपको घर बैठे अच्छी अच्छी ब्रांड्स के ऐड करने का मौका मिलता है, और ये आपने ऐड किया और ये आपके अकाउंट में पैसे आ गए, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता। अब फिर जैसे जैसे आप आगे निकलते हैं, जैसे मैंने अब अपने घर पे एक सिस्टम सारा सेटअप किया हुआ है, मुझे जाना भी नहीं पड़ता कहीं, सो आहिस्ता आहिस्ता आपके पास बहुत सारे रास्ते खुलते चले जाते हैं जिससे आप बहुत अच्छा अर्न कर लेते हैं, और आपको मतलब आप अगर आप फीमेल हैं तो आपका घर डिस्टर्ब नहीं होता, अगर आप मेल हैं तो आपकी जॉब डिस्टर्ब नहीं होती, आप कन्वीनियंस अपनी देख कर वो काम कर लेते हैं। ओके अच्छा क्या एक आरजे वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी बन सकते हैं? श्योर, व्हाई नॉट, बन सकता है, बस ये है कि जो, अच्छा ये भी एक प्रॉब्लम है, बात से बात निकली तो मैं बताऊँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जिनकी ट्रेनिंग किसी ऐसे जगह पे होती है जहाँ पे एक सपाट लहजे में बात की जाती है, जैसे बहुत से लोग जो न्यूज़ एंकर्स होते हैं, जब वो आरजे बनना चाह रहे होते हैं या वो आते हैं, तो वो एक स्पेसिफिक होता है ना न्यूज़ का स्टाइल, वो उसमें बात करने की कोशिश करते हैं, रेडियो का स्टाइल थोड़ा फर्क है, वॉइस ओवर करने के लिए आपको उस ब्रांड की और उस कंपनी की डिमांड चाहिए होती है जिसके थ्रू आप वो वॉइस ओवर कर रहे हैं, और वो प्रोडक्ट होती है, सपोज अगर आप कोई कपड़े का ब्रांड कर रहे हैं तो आपने इस तरह से बात करनी है कि कोई औरत अगर सुन रही है तो वो कहे यही डिजाइन मुझे लेना है, और बस मतलब सुन के ही वो पागल हो जाए, आप कोई फूड कोई प्रोडक्ट है और उसकी बात कर रहे हैं तो आप यमी तरीके से बात करेंगे कि वो डिलीशियस लगे, सो थोड़ा थोड़ा वर्सेटाइल होना पड़ता है। ओके अच्छा ये बताइएगा कि एक आरजे बनने के कुछ नुकसान भी हैं, लोगों सुनते हैं कि इसके नुकसान भी हैं। हाँ, हर चीज़ के नुकसान भी होते हैं और फायदे भी होते हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि जब आप सही बात भी कर रहे हो और बहस कर रहे हो तो लोग कहते हैं भाई चुप करो, तुम यहाँ रेडियो ना शुरू कर दो, सबसे पहला तो ये नुकसान ओके और दूसरी बात ये होती है कि आपको बहुत अच्छा बोलने और अच्छा सुनने की आदत हो जाती है, और आप लोगों को जब गलत बात करते सुनते हैं, तलफ्फुज़ ठीक नहीं होता, तो आप बेचैन हो रहे होते कि किसी तरह आप इनको करेक्ट कर दें, सो मेरे ख्याल से ये एक नुकसान होता है कि आप थोड़ा जीरा करने की आपको आदत हो जाती है, और बाकी तो मुझे कोई नुकसान नजर नहीं आया, ये बड़ा अच्छा और कहना चाहिए कि सुलझा हुआ प्रोफेशन है, आप आराम से, ना आपकी तस्वीर आ रही है ना कुछ है, और आप बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सीनियर आरजेस जो होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, उनसे आप बात कर रहे हैं, आपकी कोई गैदरिंग होती है तो आपको तरह तरह के प्रोफेशंस के बारे में पता चलता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है, मुझे तो बड़ा सुलझा हुआ सा काम लगता है ये। ओके अच्छा कुछ लोग जो होते हैं जो आरजे बनना चाहते हैं लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता,
कि हम जाके आगे बात कैसे करें और कम्युनिकेट कैसे करें, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे पैदा किया जा सकता है और वो अपने अंदर कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जाहिर है हर इंसान कुछ ना कुछ चाह रहा होता है, लेकिन कोई ना कोई पर्सनालिटी की ऐसी कमी होती है जो शायद हमारे चाइल्डहुड में होती है और उन पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता, वो रह जाती हैं। सबसे पहले तो आपको, देखिए इंसान अपना थेरेपिस्ट खुद होता है किसी भी चीज़ को लेकर, और जब तक आप अपने अंदर ये चीज़ नहीं कहेंगे ना, कहा जाता है कि अगर आप दिन में 3 दफ़ा किसी चीज़ के बारे में कहेंगे येस आई कैन डू इट, तो आप वो कर सकते हैं। क्योंकि जो आप बोल रहे होते हैं आपकी आवाज़ आपके ब्रेन को पहुंचा, ब्रेन तक जा रही है और ब्रेन आपकी बॉडी में वो सारी विजिबल आ रहा होता है। सो सबसे पहले तो आप ये कहें कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। उसके बाद प्रैक्टिस आपने ऐसे करनी है कि आप मिरर के सामने खड़े हो जाएं और आप बोलें, आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि आपके सामने लोग, क्योंकि अच्छा ये भी एक प्रॉब्लम है कि कुछ लोग लोगों के सामने बात नहीं कर सकते और कुछ अकेले कमरे में बात नहीं कर सकते। कि रेडियो में तो मैं, आप अकेले कमरे में है ना, आपके पास बस एक सिस्टम है, एक माइक है और आपने उस पर बोलना है, तो वो नहीं बात कर पा रहे होते। सो इसके लिए ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हर चीज़ का इलाज यही होता है कि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो फ्लो में आ जाती है। सो बस जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा एंड यू कैन डू दिस। अच्छा कि लोग जब सुन रही होती हैं या बोल रही होती हैं, जो एक अच्छा एक आरजे बनने की ख्वाहिश कर रहा होता है, वो ये सोच रहा होता है कि यार अगले लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो वो इस वजह से भी अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर सकता, इस ख्याल को अपने दिमाग से कैसे निकाल। साकिब आपने क्या कहा कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे? एक आरजे, जो शख्स आरजे बनने की ख्वाहिश कर रहा होता है, समटाइम वो इस वजह से भी अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा होता, कि वो ये समझ रहा होता कि यार अगले जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो मेरे बारे में क्या कहेंगे, तो इस ख्याल को कैसे दूर कर सकते तो हैं। हाँ ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाँ अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको एक कहना चाहिए कि अब तो बूढ़ी हो गई हूँ, सो एक टिप दे दूँ। जितना टाइम मैंने गुजारा है, ये सोचना छोड़ दें कि आप लोग क्या सोचेंगे। ये एक सोच रही थी कि ऊपर बकायदा अपने चैनल पर भी बनाऊँ कि लोग क्या सोचेंगे, ये सोच के आपने अपनी आधी जिंदगी तो गुजार दी है, बाकी आधी आपने वैसे रोल देनी है। ये चीज़ जहन से निकाल दें कि लोग क्या सोचेंगे। आप यकीन कीजिए आपकी पर्सनैलिटी से ऐसे ऐसे जवाहिर बाहर निकलेंगे कि आप खुद खुद हैरान हो जाएंगे कि ऐसी चीज़ें भी हैं हमारे अंदर। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम अपने बच्चों का ब्रॉटअप ही ऐसे करते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना, फला आंटी के सामने ऐसा नहीं करना, वो अंकल क्या कहेंगे। वो बच्चों का एक ब्रॉटअप में ही हम ये चीज़ ऐड कर देते हैं कि दूसरों की फिक्र ज़्यादा करनी है। बच्चे के इमोशंस, उस पर्सनैलिटी के क्या ख्यालात हैं, क्या वो चाहता है, ये चीज़ हम दबा देते हैं। सो बड़ा होकर बहुत कम ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों का ब्रॉटअप बड़ी आज़ाद तरीके से करते हैं कि उन्हें अपनी बात कहना आती है और उन्हें लड़ना आता है ऐसी सोच से। सो सबसे पहले तो आप ये चीज़ जहन से निकाल दें। देखें अगर 10 लोग आपको बुरा कहेंगे, सपोज जैसे अब मैं अगर एक शो कर रही हूँ और अगर एक मैं शोक तरीके से बात कर रही हूँ, तो 10 लोगों को डिसेंट बंदे पसंद है, तो 20 को शोक भी तो पसंद होंगे ना। ठीक है, आप उन लोगों पर फोकस करें जो आपको पसंद कर रहे हैं, आप उनके लिए बात करें, और जो लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं तो दे हैव ऑप्शंस, वो स्विच कर लें। हमने किसी को घर जाके थोड़ी कहना है। सबसे पहले तो आप ये चीज़ जहन से निकाल दें कि हमारे फैंस भाग जाएंगे, हमारे लिसनर्स भाग जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आप अपने काम पर तवज्जो देकर नेक नियति से उसे करते रहें तो वो हो जाएगा। मेरे इस फील्ड के और हर काम के मतलब आप समझें कि मेरे बड़े भाई, मेरे मेंटोर मोहसिन नवाज, उनका नाम है मोहसिन भाई, मैं उन्हें कहती हूँ, वो एक हमेशा यही कहते थे, मतलब वो इतने पॉजिटिव है, उनसे जब भी कोई परेशानी होती थी, मुझे इस फील्ड में बेसिकली हर तरह से गाइड करने वाले वही हैं, तो वो मुझे एक ही चीज़ कहते हैं कि देखिए आप खुद पे फोकस करें, आप देखें आप पॉजिटिव बात करें, आपको पता है ना आप ठीक हैं, तो बस आप ठीक हैं। और उनकी ये बात बाद मैंने ऐसी पल्ले बांधी है कि अब हर काम में मैं कहती हूँ भाई मैं ठीक हूँ ना, अगर मुझे लग रहा है कि इससे किसी को कोई नुकसान नहीं है, किसी तक, किसी एक तक भी अच्छी चीज़ जा सकती है, तो आप उसको करें। आप ये चीज़ छोड़ दें कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, अच्छा ही सोचेंगे। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है, क्योंकि मोहसिन नवाज साहब जो है ना, वो मेरे भी उस्ताद हैं,
उन्होंने मुझे भी एक बात कही थी, वो अक्सर कहते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं भी इतना जाए रहना। तो जब से उन्होंने मुझे ये चीज बताई है तो मैंने कम से कम ये सोचना छोड़ दिया है। नहीं, वो तो एक ऐसी पर्सनालिटी कि उन पे एक शो हो सकता है। ऐसी बात है। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप वेरी जो, गुड, वेरी नाइस। अच्छा मेरा ना आपसे आखिरी सवाल ये है कि जो यंगस्टर जो अब तो इस करियर बनाना चाह रहे हैं, तो वो कैसे अपना करियर बना सकते हैं और उनको आप क्या एडवाइस करती हैं? साकिब प्लीज फिर से कहिए। मैं रिपीट कर देता हूँ कि मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अब जो यंगस्टर जो इस फील्ड आना चाह रहे हैं, साकिब रिपीट कीजिएगा प्लीज। मैं बिल्कुल रिपीट कर देता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो यंगस्टर, देख आजकल लोग डिजिटल हो रहे हैं, लेकिन जो कुछ यंगस्टर जो ऐसे हैं जो इसको अपने करियर बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस करती हैं? जो नए लोग यंगस्टर्स इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो उनको वेलकम, वो आए सो बिस्मिल्ला। और दूसरी बात ये है कि मैं बार बार कह रही हूँ कि आप सबसे पहले अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप अपनी स्टडी और इस पर दोनों पर फोकस कर सकते हैं और आपकी स्टडी डिस्टर्ब नहीं होगी, देन आप स्टडी के दौरान भी कीजिए। लेकिन मेन पॉइंट आपके जहन में ये होना चाहिए कि आपकी जो डिग्री है आपने उसे कंप्लीट करके उस प्रोफेशन में एक अच्छी जॉब या जो भी आपका काम है वो करना है और इसे एज अ हॉबी लेना है। ये मेरी तरफ से और मेरी कहना चाहिए कि मेरा तज्जिया है इस फील्ड को लेकर। अगर आप इस तरह से करेंगे, यकीन कीजिए आप अपने शोज़ को एंजॉय करेंगे, एज अ हॉबी लेंगे। अगर आप इस चीज़ को तरह से करेंगे कि चलो पैसे बन जाएंगे, काम कर लेते हैं ये, तो फिर ये आई गेस ये वो वाला काम नहीं है। इसमें फिर आप ना तो लोगों के साथ अच्छा आपका एक ताल्लुक बन सकेगा जो आवाज के सहारे होता है और बड़ा मजबूत होता है, और ना आप खुद इसको उस तरह से एंजॉय कर सकेंगे क्योंकि आप इसे एक बोझ और एक अर्निंग मतलब जो प्लेटफॉर्म है वो समझेंगे। तो आई गेस आप इसको एज अ पैशन लें। अच्छा, मुझे लास्ट में आप पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं आपसे ये पूछ रहा था कि मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि एज अ आरजे, एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, आप पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? पाकिस्तानियों को पैगाम, पाकिस्तानी बड़े समझदार हैं और उन्हें पता है उन्हें क्या करना चाहिए। मुझ जैसे बंदे का क्या पैगाम उनको दें, लेकिन ये है कि प्लीज भी पाकिस्तानी कोई भी काम कर रहे हैं, हमारा आज का शो तो चले आज बनने को या ऐसा करियर अपनाने को, इसको क्या ख्यालात है मेरे इस बारे में था, लेकिन आप कोई भी काम कर, कुछ भी कर रहे हैं, आप बस का काम कर रहे हैं, आप स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप प्रिंट मीडिया से हैं,
आपके पास यकीन कीजिए बहुत बड़ी ताकत है। आप इसके थ्रू पूरी दुनिया में, स्ट्रीमिंग के थ्रू पूरी दुनिया पे आप जो भी कर रहे थे आप सामने आते हैं। सो पाकिस्तानी होने पे फख्र कीजिए और ऐसी पर्सनालिटी अपनी बनाकर सामने आइए कि अगर कोई आपको देख रहा है, सुन रहा है, तो वो कहे रही है कोई मुल्क यहाँ ऐसे लोग नहीं होते हैं। और नेक नियति रखिए हर काम में और बगैर अपने फायदे की कोशिश करें किसी की हेल्प करने की। बहुत शुक्रिया मिस आपके वक्त देने का। बहुत कुछ सीखा इंशाल्लाह, आगे भी आपसे सीखते रहेंगे और आपका पैगाम अपने ऑडियंस तक पहुंचाते रहेंगे। यूनिवर्सिटी के नाज़रीन का भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले सेशन में। अल्लाह हाफिज़।